मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। तो बच्चा सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हम अभी तक साइंस पढ़ रहे थे तो वो साइंस की बुक आपकी चेंज हो गई है, क्योंकि साइंस की बुक वो वाली अवेलेबल नहीं है। तो शॉपकीपर ने आपके लिए ये वाली बुक अरेंज की है। तो आई होप आप सबके पास तो ये बुक होगी ही। मेरे पास अभी पुरानी थी तो मैं पुरानी से पढ़ा रही थी, तो अब ये बुक आ चुकी है। आपको शॉपकीपर ने नई बुक दी होगी। तो इस प्रकार से जो बुक है उसका फर्स्ट कवर इस प्रकार से है, एंड देन ये देखिए अंदर जो बुक की राइटर है ये रीता जौहर इस प्रकार से। एंड इसके कंटेंट्स अगर हम देखेंगे तो कंटेंट्स में यूनिट फर्स्ट में हमारा है प्लांट्स अराउंड अस, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, प्लांट गिव अस फूड। ओके, यानी कि प्लांट्स के बारे में ही बताया गया है। अब देखते हैं सबसे पहला लेसन, लेसन फर्स्ट प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ के पौधे। हमारे चारों तरफ किस प्रकार से पौधे पाए जाते हैं, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स आर लिविंग थिंग। बच्चे जो पौधे होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग कहलाते हैं। वो क्यों कहलाते हैं लिविंग थिंग, क्योंकि वो सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, है ना, और उनको भी खाने की आवश्यकता होती है। खाना खाते हैं हम, पे पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, है ना, अपना खाना वो खुद बनाते हैं। और क्या करते हैं वो डेड भी हो जाते हैं एक टाइम के बाद, वो मर भी जाते हैं। तो इसलिए वो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, सजीव प्राणी हैं। दे नीड एयर वाटर एंड सनलाइट, उनको भी आवश्यकता होती है हवा की, पानी की और सूरज की किरणों की। वी सी मैनी काइंड ऑफ प्लांट अराउंड अस, हमने अपने चारों तरफ बहुत से प्रकार के पौधे देखे होंगे। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, ये अलग अलग क्या है, शेप एंड की अलग अलग आकृति की हैं, ठीक है, और अलग अलग साइज के हैं। कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, है ना। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। प्लांट्स लाइक ग्रास आर वेरी स्मॉल, अब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ये देखो ये क्या है, ये भी तो पौधे हैं लेकिन ये क्या है, ग्रास, बहुत ही छोटे हैं। और ये बड़ा है इसको हम बिग ट्री बोलते हैं, है ना। अब जैसे रोज का पौधा हो गया तो ये स्मॉल ट्री हो गया, और ये छोटे छोटे पौधे हैं ये किसके हो गए, ग्रास के, ठीक है, वेरी स्मॉल। जो घास के पौधे होते हैं वो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। नाउ टर्न योर पेज, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। देखिए सबसे पहले है ट्रीज, बिग प्लांट। जो ट्री होता है हमारा बच्चा वो एक बिग प्लांट होता है, बड़ा पौधा होता है। ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रांग प्लांट, जो पेड़ है वो बड़ा और एक मजबूत पौधा होता है। दे हैव थिक स्टेम, उसकी जो तने होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्या होते हैं उसके तने, बहुत ही थिक होते हैं, चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं। दे स्टैंड स्ट्रेट, कैसे खड़ा होता है, एकदम सीधा खड़ा होता है। पेड़ को देखा है आपने, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, ये बहुत ही मजबूत होता है और ऊँचा होता है। दे ग्रो फॉर मैनी ईयर्स, मोस्ट ट्री हैव ब्रांचेस, पेड़ क्या होता है, आप एक पेड़ को देख रहे होंगे, कोई भी पेड़, पता नहीं वो कितने सालों से है, है ना, बड़ा। हम छोटे रहते हैं, फिर हम बड़े के बड़े हो जाते हैं, हम स्कूल पास करके कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज पास करके शादी हो जाती है, लेकिन वो पेड़ वैसे की वैसे ही रहता है। तो बड़े पेड़ क्या होते हैं, वो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चे, उनमें क्या होती है, ब्रांचेस भी होते हैं पेड़, जैसे नीम। नीम का आपने पेड़ देखा होगा, बैनियन, बरगद का, गुलमोहर का, मैंगो का, पीपल का, इनमें क्या होती हैं, शाखाएँ होती हैं, अलग अलग क्या होती हैं, शाखाएँ होती हैं। सम ट्रीज लाइक पाम, कोकोनट एंड अशोका ट्रीज डू नॉट हैव ब्रांचेस, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे पाम का पौधा हो गया, अशोका ट्री हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, ठीक है, इनमें क्या नहीं होती, इनमें शाखाएँ नहीं होती हैं। द थिक वुड स्टीम ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड ट्रंक, मोटा तना होता है इसे हम ट्रंक कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। नाउ टर्न योर पेज, अब स्मॉल प्लांट्स के बारे में बताएंगे आपको, यानी कि छोटे पौधों के बारे में। सम प्लांट्स आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, होते तो छोटे हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं। दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, ये ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड बुशी प्लांट्स,
और श्रब्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं, ओके, बुशी प्लांट्स, यानी कि झाड़ीदार पौधे कहलाते हैं श्रब्स। दीज प्लांट्स ऑल्सो लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये पौधे भी कुछ सालों तक रहते हैं। लाइक इनकी एग्जांपल है जैसे रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, तुलसी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये क्या है, बुशी प्लांट्स हैं, छोटे होते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं और कुछ सालों तक रहते हैं, ओके। सीजनल प्लांट्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स, कुछ होते हैं सीजनल प्लांट, यानी कि एक सीजन तक रहते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट थिन एंड वीक स्टिंग्स, इनके तने बहुत ही मजबूत मुलायम होते हैं, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, ये कहलाते हैं हर्ब्स। लाइक इनके एग्जाम्पल हैं टमाटो, ब्रिंजल, मिंट, राइस, वीट एंड मैजिस आर सीजनल प्लांट, जैसे हमारे जो घर की सब्जियां हैं, ठीक है, जैसे टमाटर का पौधा हो गया, बैंगन का पौधा हो गया, पुदीने का हो गया, गेहूँ हो गए, हमारे चावल हो गए, ठीक है, मक्का हो गया, ये क्या होते हैं, एक सीज़न तक होते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर उनको दूसरे, जब उनका दूसरा सीज़न आता है फिर उनको बोना पड़ता है, तो ये एक ही सीज़न के प्लांट होते हैं। तो सीजनल प्लांट्स लिव ओनली फॉर वन सीज़न, इसका मतलब क्या है, जो सीजनल प्लांट हैं वो केवल एक सीज़न तक रहते हैं। तो आज हम आगे नहीं पढ़ाते, इतना ही पढ़ाएंगे, इतना आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है ना। फिर हमने बड़े पौधों के बारे में पढ़ा था, उनमें बड़े पेड़ होते हैं, जो जैसे हमारे नीम के पेड़ हो गए, बैनियन बरगद का हो गया, गुलमोहर हो गया, मैंगो, पीपल, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं और इनकी शाखाएँ भी होती हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएँ नहीं होती हैं, जैसे पाम ट्री हो गया, अशोका ट्री हो गया एंड कोकोनट ट्री हो गया। फिर हमने स्मॉल प्लांट्स के बारे में पढ़ा, कुछ स्मॉल प्लांट्स ऐसे होते हैं कि होते तो वो छोटे हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, वो कहलाते हैं श्रब्स, उनको हम कहते हैं श्रब्स। उनके एग्जांपल जैसे रोज का हो गया, जैस्मिन का हो गया, अनार का हो गया, तुलसी का हो गया, स्ट्रॉबेरी का हो गया, छोटे झाड़ीदार पौधे होते हैं लेकिन थोड़ा मजबूत होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं पर एक ही सीज़न तक रहते हैं, दूसरे सीज़न में ख़त्म हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल टमाटो, जैसे टमाटर, बैंगन, ठीक है, चावल हो गया, आपका भुट्टा हो गया, ये एक सीज़न तक रहते हैं, दूसरे सीज़न में ख़त्म हो जाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सबके पास ये बुक होगी, जिसके पास नहीं है वो बुक अवेलेबल कर लीजिए। ओके।